बिग बॉस जो है खेल गए हैं और घर का नया कैप्टन अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान बन गया है। तो एक बात तो तय है कि बिग बॉस ने वाकई में जो गेम खेला है उसके हिसाब से अब फुकरा नया कैप्टन होगा। एक सीक्रेट टास्क जो है वो दिया गया था और वो सीक्रेट टास्क फुकरा को कंप्लीट करना था, जिसमें उसे जो है कुछ घर की गलतियां जो है वो बतानी थी और जो रूल ब्रेक हो रहे हैं वो बताने थे। पर जब वो ये काम कर रहा होगा, सीक्रेट टास्क कर रहा होगा, तब सिर्फ शर्त ये थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसको ये टास्क बिग बॉस ने दिया है। तो ये सीक्रेट टास्क जैसे ही खत्म किया अभिषेक ने, तो बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि अब जेड को कैप्टेंसी से फायर किया जाता है और नया कैप्टन जो है वो घर का अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान को बना दिया। फुकरा अपने लिए लड़ा नहीं, बोला नहीं, इस बात से फैंस काफी नाराज भी थे और जिया ने जिस तरीके से अपना और जेड का नाम दिया, इस बात को लेकर भी फैंस को लग रहा था कि जिया अब अभिषेक की दोस्ती के लायक नहीं। लेकिन फुकरा को भी ये बात का एहसास हो गया है कि अब इस घर में किसके साथ मिलकर उसे गेम खेलना है और किसके साथ मिलकर नहीं खेलना। उसने भी अब कल रात को जो है आकांक्षा और मनीषा जब साथ में बैठे थे तो ये लोग सब मिलकर यही बात कर रहे थे कि अब तो ये फुकरा को समझ में आ गया है कि जिया सिर्फ दिखाने के लिए दोस्त है, लेकिन जब बात सपोर्ट की आती है तो जिया से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो एक बात तो तय है कि अब फुकरा को ये पता है कि उसके साथ आकांक्षा खड़ी रहेगी, मनीषा खड़ी रहेगी, लेकिन जिया नहीं खड़ी रहेगी। तो उसने भी इन चीज़ों को तो तय कर ही लिया है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही फुकरा कैप्टन बना रात को कल जो है नाचते हुए तक नजर आ रहा था। तो आप लोग कितने खुश हैं कमेंट करके जरूर बताएं।